एक बार फिर नया रेल हादसा, एक बार फिर नई जांच। लेकिन असल में बार बार हो रहे रेल हादसों में एक आम नागरिक अपनी जान गंवा रहा है। क्यों ये रेल हादसे हो रहे हैं, कैसे रुक सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हैं, जो कि एक्स मेंबर हैं रेलवे बोर्ड पीएसी के। सर, आज जो हादसा हुआ और जो बालासोर का हादसा हुआ था, बालासोर में कहीं कहीं सिग्नल क्रॉस करने की बात थी, सिग्नल को ओवरलैप करने की बात थी, आज भी वही बात चल रही है। तो क्या बालासोर से न्यू जलपाईगुड़ी तक हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ ठीक नहीं कर पाए हम? एक्चुअली जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ और आज जो एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों में समानता है। हम सिग्नल ओवरलैपिंग कह रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ड्राइवर ओवरलैप कर गया, जबकि ऐसा नहीं है। ड्राइवर कभी भी ओवरलैप नहीं करता है। सिग्नल को टेक्निकली फॉल्ट कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट के कारण किसी षड्यंत्र के तहत रेल मंत्री को बदनाम करने के लिए या इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के लोग एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये साजिश है? ये साजिश है, प्योरली साजिश है। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से केवल ये कहना है कि रेल मंत्री जी, आपने अगर बालासोर से नहीं सीखा और आज के इस एक्सीडेंट से नहीं सीखा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके अपने एडवाइजर्स को रीचेक कीजिए कि क्या वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं। सर, थोड़ा अगर टेक्निकली समझे तो कैसे आप इतना श्योर हैं कि ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है बल्कि एक साजिश है? थोड़ा अगर टेक्निकली समझे कि कैसे सिग्नल कितनी दूरी पर होता है, क्या होता है? देखिए, जो रेल है उस रेल को चलाता है कंट्रोल। कंट्रोल तकरीबन 200-250 किलोमीटर रेडियस के बीच में किसी बड़े एक स्टेशन के ऊपर होता है। उसका काम है कि जो छोटे स्टेशन हैं उनके बीच से जब गाड़ी निकलती है, जीपीएस के थ्रू उसको पता चलता रहता है। और दूसरा सिस्टम है रेल का कि स्टेशन मास्टर हमारा बताता है कि इस नंबर की गाड़ी इस ट्रैक पे, इस नंबर के ट्रैक से जा रही है, उसकी ये स्पीड है। तीसरा तरीका होता है गाड़ी का कि जब गाड़ी आउटर सिग्नल पे होती है और होम सिग्नल के बीच में तकरीबन 5-7 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो जब ड्राइवर अपनी नॉर्मल स्पीड में होता है, मान लो कि 100 kmph पे वो चल रहा है गाड़ी लेकर के, तो वो फोकस करता है केवल सिग्नल पे। तो सिग्नल जब वो देखता है तो नियर अबाउट एक सामान्य व्यक्ति 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकता अच्छी रोशनी में। तो 500 मीटर के आसपास आते आते उसको ये दिख जाता है कि ये सिग्नल ग्रीन है, येलो है या रेड है, तो गाड़ी की स्पीड वो कंट्रोल कर लेता है। अब इस एक्सीडेंट में क्या हुआ है, आप छोटा सा चीज देखिए, बालासोर में भी यही हुआ था कि एक गाड़ी खड़ी थी लूप लाइन पे और एक गाड़ी मेन लाइन पे जा रही थी, अचानक सिग्नल चेंज हुआ और उसको लूप लाइन पे डाल दिया और कह दिया कि ये तो ड्राइवर का मिस्टेक था और उसने पीछे से हिट कर दिया, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि कंट्रोल ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया आउटर सिग्नल पे। जब आउटर सिग्नल पे उसने ग्रीन देख लिया तो वो अपनी स्पीड में चलने लगा। जब वो अपनी स्पीड में चला, उसको कहाँ से पता होगा कि उसके जो मेन लाइन पे जिसको उसको जाना है उसको लूप लाइन का डाइवर्शन कर दिया गया है। उसे तो वॉकी टॉकी से या तो स्टेशन मास्टर बताएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा, आज के देर में, आज की अवस्था में हम फोन से भी, टेलीफोन से भी बता सकते हैं, लेकिन कभी भी अचानक मेन लाइन से लूप लाइन में आप 100 kmph पे गाड़ी को जब डाइवर्ट करेंगे तो गाड़ी गिरेगी। और जब गाड़ी गिरी तो गाड़ी जो खड़ी थी उसके साथ उसके ऊपर गिर गई। ये अब इसमें ड्राइवर की गलती क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई देख तो वही रहा सकता सिग्नल वाकई जो है वहां पर रेड हो। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, मैं रेलवे के एम्प्लाइज को, जो आप कह सकते हैं ग्रुप डी के एम्प्लाइज हैं या बी के हैं या सी के हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं या मिडिल सेगमेंट तक, उनका डेडिकेशन अपनी जॉब के प्रति बहुत बेहतरीन होता है। वो पैसा के लिए नौकरी नहीं करते, वो जीवन जीने के लिए, परिवार पालने के लिए। और रेल का एम्प्लाइज अपने डिपार्टमेंट के लिए जान चली जाएगी लेकिन धोखा नहीं कर सकता। एक बार मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ऊपर का जो सेगमेंट है जिसको हम PHOD कहते हैं, डायरेक्टर मेंबर्स, वो रिश्वत ले करके किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, दलाली करने
इंजन खरीदने में दलाली कर लें, डिब्बे को मरम्मत में कर लें, मेंटेनेंस में कर लें, तो संभव है, एम्प्लाइज नहीं कर सकता। तो एम्प्लाइज को जो सिग्नल मिला होगा उसी पे वो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट हो यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में प्राइमा फेसी जो कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरलैप किया है, इनका कम से कम ये मानना है कि इसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई साजिश है। इस साजिश के पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।